close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. आलू 1.5 किलो ये आलू कोई चंद्रमुखी नहीं है तो मत लो सड़ा सा आधा तो बेकार निकल जाता है बाकी सब्जियां नहीं होता ये अच्छा लग रहा है ले हाँ ले लो सिद्धो होता नहीं है तो हाँ मीडियम साइज का देख के लो ठीक है मैम ठेकुआ मिलने लगा बाजार इतना क्रेज है ठेकुआ का और ये छन रही है गर्मा गर्म क्लब कचौड़ी और मैडम को आज खानी है क्लब कचौड़ी नाश्ता बनाने का मन नहीं है संडे का दिन है तो तीन दे दीजिए तीन जलेबी ले क्या देखो सूरज तो पेड़े खाता है अगर खाएगा तो ले लो नहीं तो जलेबी लो तो 3 पीस लो ज़्यादा मत लो या 2 पीस क्योंकि मैं एक से ऊपर खाऊंगा ही नहीं मैं किसी हालत में और मूंगफली का पैकेट लेना तो एक सूरज खाता है उसको खूब चाव से खाकरा है पंजाबी खाकरा गुजराती होता है खाकरा तो खाकरा गुजराती होता है लेकिन नाम उसका पंजाबी है नाम पंजाबी है बजे कचौड़ी मेरा पेट खराब ना करे चला एसिडिटी हो जाता है सब खाने से खाते नहीं अच्छा पानी पूरी खाकरा पानी पूरी पाव भाजी मछली मसाला पंजाबी खाकरा मेथी खाकरा आते ही सबसे पहले लाला को भोग लगा दिया है हमने और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए मैं भी बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह बिंदास हूँ आप शुरू भी हो गए क्या तो हम आज नाश्ता हमारा जो है बाहर से आया है आपने देखा ही है तो आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए मार्केट से जब घर पर बनी हुई चीज़ और मार्केट से बनी हुई चीज़ दोनों में कितना डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाती हूँ बिना फूली हुई सब घुसा दी है चिपकी चिपकी हुई ये पूड़ियाँ दे वहाँ पे वो गरम गरम दिखा रहा था एकदम फूली फूली और जब सर डाला है पैकेट में तो सारी उसने पिचकी भी डाल दी हाँ ढंग से बनी हुई भी नहीं है देखो सारी फूली फूली है सूरज को दे हाँ ये सूरज को छांट करके हमने फूली फूली दे दी है और चिपकी भी सारी हमने दे दी देखो और वहाँ कितनी सुंदर लग रही थी गोल गोल फूली फूलियाँ ये हमारे को ये आधी फूली हुई 2 मिली है बाकी सारी चपटी हुई है मम्मी मम्मी भूख लगी
हले बेटा मूंगफली, तो मम्मी है मूंगफली में दाना नहीं। आपकी मम्मी की उड़ीसा हम जो घर पे बनाते हैं ना उसके रूप में कुछ भी नहीं, उसके आगे कहीं नहीं है, 10 पैसा भी पास नहीं है। बेस्ट होता है बट ठीक है, कभी कभी लगता है ना कि गैस बनाने का मूड नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। और ये सूरज यहाँ क्लब कचौड़ी खा रहा है, वैसे तो वो वीट उसको मना है, बट कभी कभी ना जैसे वीक में एक बार या दो हफ्ते में एक बार ऐसे इसको वीट हम खिला देते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं संडे को घर पे ही नाश्ता बनाती हूँ, आज बाहर से लाए हैं। ये लो, अब आयो, अब आयो ने? पूरा 1 घंटा लगा है, बोले 10 मिनट में आएंगे। तो बाथरूम चमका के आए हैं, बाथरूम चमका के आए हो? बाथरूम जाके देखो एकदम सब चमक गया, इतना साफ बाथरूम करके आए ना, आप भी बोलोगे कि हाँ बाबा 5-star होटल का बाथरूम लगेगा, इतना बढ़िया चमका। तब तो मैं जाऊंगा नहीं बाथरूम में, इसमें मैं दूसरे वाले में जाऊंगा, इतना चमकाया बाथरूम में जाएंगे फिर से गंदा होगा तो खुद क्यों लगते हैं, हाथ साफ करो। और नहीं 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 जब हम साफ करेंगे तब करेंगे, वो हमारा मूड होगा जब करेंगे, समझ गए। अब ये क्या हो रहा है, बाल तोड़ रही हो क्या? ये पारंपरिक तरीका है बालों को सुखाने का, जो कि हमारी दादी जी, हमारी माता जी, हमारी सास जी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. एक ही चम्मच ना, इतना ही और क्या करना है, फिटना है ना फेंटो, पहले धोकर के धोया हुआ सब धो के रखा हुआ है। तो सूरज बना रहा है कोल्ड कॉफ़ी और मेरी यहाँ सब्ज़ी भी साथ साथ बनती जा रही है, तो बस इसमें नमक डालूंगी और इसे ढक के रखूंगी। आंखें बंद करके आनंद ले रहा है। सूरज ने बनाई है एकदम मज़ेदार सी कॉफ़ी, मस्त बनाई है सूरज, बहुत मस्त है। कॉफ़ी ब्रेक के बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में, तो बाकी जो वेजिटेबल्स थी ना वो तो मैंने सारी धो करके सुखा करके रख दी थी और सारी अब मैंने फ्रिज में भी स्टोर कर दी है वापस, बस ये हरी मिर्च रह रही थी। तो ये एक्चुअली इसकी डंडियाँ तोड़ कर मैं डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में आराम से कर लूँगी। तो ये इस तरह से डंडियाँ तोड़ करके हरी मिर्च को अगर हम किसी डब्बे में कंटेनर में इस तरह से कवर करके बंद करके रख देते हैं तो हरी मिर्च जो ना बहुत दिनों तक ताज़ा रहती है, लॉन्ग लास्ट करती है। तो ये एक ट्रिक है, इसे आप ट्राई कर सकते हो। और क्योंकि मेरे घर में तो बहुत हरी मिर्च लगती है, पारिक जी को सुबह दोपहर शाम हर वक्त हरी मिर्च, तो इनको 2 से 4 हरी मिर्च इनको चाहिए ही चाहिए हर खाने में, इसीलिए मैं इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो लाना पॉसिबल नहीं है हरी मिर्च। और हमारा संडे स्पेशल आज जो खाना है वो है चावल, एकदम चटपटी सी दाल, तो कैरी की दाल है ये, थोड़ी खट्टी खट्टी सी, और ये बरबट्टी की सब्ज़ी, बरबट्टी जिसे लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं, बरबट्टी की सब्ज़ी है, बहुत सिंपल सी हल्दी नमक वाली ये है बिल्कुल,
और साथ में है चोखा, आलू का चोखा। आलू का चोखा चावल दाल के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आइए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यही फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वहाँ पर एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बाय।